गाइस लखनगर की मार्केट में स्टार्टिंग हो चुकी है और अब मैं पहले जो लेने आई हूँ पहले वो ले लेती हूँ, उसके बाद कुछ ढूंढने ढाने का, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो रहा है। दोस्तों वेलकम बैक, कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आई हूँ आज तिलकनगर की मार्केट और आई हूँ सूट की चुन्नी लेने के लिए। जो मैंने उस दिन कतरन मार्केट से सूट लिया था ना, तो उसकी चुन्नी लेने आई हूँ। और जो मेरे पास पजामियाँ पड़ी थी उनके मैचिंग के कुर्ते, और ज़्यादा ना बोल के मैं पहले मार्केट में कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई हूँ मार्केट में और मार्केट हो जाएगी बंद। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा या पौन घंटा बचा हुआ है, और मेरे साथ आई है मोना दीदी और उनकी बेटी। तो गाइज भावना ले रही है अपने लिए इयर रिंग, और ये वाले इयर रिंग बहुत प्यारे लग रहे हैं। दिखाइए भावना, ये देखो एक बेटी में दो दो माँ। और मोना दीदी बना रही है, क्योंकि भावना भी ब्लॉगिंग करना शुरू करा है। तो दीदी मोना दीदी तुम्हारी असिस्टेंट थी इसकी। हाँ, पहले मेरे लिए ब्लॉग बनाती थी, अब बेटी के लिए ब्लॉग बना रही है, पर कोई बात नहीं। और दिखाऊं तो गाइस अभी तो भावना का अभी कब भावना की स्टार्टिंग हुई रखी है, अभी तो बहुत देर हो गई। पहले भावना ले रही है रिंग, दो तीन तो ले ही चुकी है, देखो हाथ में अभी भी नजर है उसकी, कि वो और मिल जाए। और मैं और दीदी अभी यहीं खड़े हुए कि बस ये हटे तो हम अपने लिए सोचे, वो बच्चों को लिया हो तो यही होता है मार्केट में, पहले इनके शौक पूरे करें। तो गाइस मैं जा रही हूँ जहाँ पे चुन्नियाँ डाई होती है ना, तो वहीं पे मुझे चुन्नी सस्ती मिलेगी, क्योंकि जो मैंने सूट दिया था मैं सोची सूट के संग चुन्नी ले लूँ, मतलब मैचिंग की चुन्नी ले लूँ। अब जाना ना पड़ता तो चुन्नी भी जरूरत पड़ जाती है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ फ्रंट साइड से बैक साइड में, क्योंकि मुझे जहाँ जो चुन्नी लेनी है ना वो बैक साइड में, देखो आपको दिख ही रही होंगी चुन्नियाँ टंगी यहाँ पे, डाई कब होते हैं कलर वगैरह, जो लास्ट टाइम भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ तिलकनगर की मार्केट में। और यहाँ पे चुन्नियाँ चुन्नियाँ हैं, तो मैं एक लेगिंग लेनी है और एक कुर्ती की जो मैं लाई थी कतरन मार्केट से, उसकी चुन्नी लेनी है मैचिंग की। तो मेरे पर टाइम था मतलब कि, तो दीदी कह लगी चल हम जो लोग मार्केट जा रहे थे, मैं चलो मैं भी चलूँगी, क्योंकि मैं एक बार में कोई काम पूरा करके नहीं आती, दस बार तो जब तक मार्केट में चक्कर न लगाऊँ ना, तब तक मेरे एक सूट कम्प्लीट होता ही नहीं है। तो गई ये आ गई है चुन्नी की शॉप, अब मैं पूछ लेती हूँ कि मैचिंग की चुन्नी। मैच तो यही कर रही जो हाथ में पकड़ी है। भैया कितनी लेंथ होगी इसकी, सही होगी, एक बार कॉल के पीस दिखा दो ये वाला। तो गाइस मुझे मिल चुकी है। और एक ब्लैक भी दिखा देना प्लेन में, और एक येलो भी, ये चुन्नी लूंगी हम। ठीक है ना, हाँ। लेगिंग ले लेती हूँ ना, मैचिंग की लेगिंग ले। ठीक है भैया एक वाली एक और दिखा दो मुझे चुन्नी। जाते के साथ ही चुन्नी मुझे मिल गई, बिल्कुल मैचिंग की मिली डिट्टो, और 100 रुपीज़ की चुन्नी मिली है मेरे को। और भी मिल रही थी, पर अभी मैंने कुर्ता तो ले लूँ, क्योंकि पजामियाँ हैं कुर्ते नहीं है, तो मैं सोचा एक्स्ट्रा पजामे पड़ी थी उनके मैचिंग के कुर्ते लेके फिर चुन्नी लूँगी। अभी चुन्नी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी जो चुन्नी ली उसकी मैचिंग की पजामी ले लेती हूँ। यहाँ से ले रहे हैं पजामी और चुन्नी, मिल गई हमको, उल्टी आ रही थी तो इनको ठंडा कर रहे हैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला के। तो गाइस पजामे तो मुझे भी मिली नहीं है, मैं आगे जा रही हूँ, चुन्नी ले ली है पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पजामे आए हैं कुर्ते नहीं है। और ये सारे सूट मेरे ऊपर के ना मतलब कि मेरे टायर हो चुके थे, मतलब मैंने थोड़े फेडेड हो गए थे तो हटा देते, तो पजामियाँ तो ज़्यादा यूज़ होती नहीं है नीचे की, तो वो वेस्ट हो जाती है। मेरे बहुत सारी पजामियाँ ऐसी पड़ी है जिनके ऊपर के कुर्ते हैं ही नहीं, तो मैंने चलो आज 3 पजामे लेकर आई हूँ, कि इनकी मैचिंग के देख लेती हूँ मैं। और थोड़ा लेट आई हूँ मार्केट में, कुर्ती ही कुर्ती लेनी है। हाँ मेरे मतलब इन महिला के पास बहुत कपड़े हैं, उसके बाद भी इन्हें और कपड़े चाहिए।
समय के साथ, उस समय के साथ पुराने हो जाते हैं। देखो दोनों, देखो दोबारा देखो। मैंने भावना पे डाल दिया कि अच्छी जो कुर्ती तो ढूंढ भी नहीं पाती। हाँ रो तो सर सर ढूंढ देगी, अपने लिए तो ढूंढ नहीं पाती हो। भाग लेगी, सब टूट जाते हैं। अरे ऐसे नहीं ना, जो आपको कंफर्टेबल लगे यार। रे मैं कोई काम पे नहीं जा रही। ये ओहो भानु, ओहो ये है सिंपल सोवर। तेरे पे ना वो लगेगा बहुत, तू लंबी वैसी है। मात्र 200, मात्र 200 में एक्सल से डबल एक्सल पे आ चुकी हूँ। लग तो नहीं रही, नहीं एक्सल का लग रही है, लगी नहीं रही। हाँ वो तो आप ऐसा करके दिखाओ तो बढ़ जाएगा वो। बटन आ जाए थोड़ी, बटन नहीं नहीं मिल गई, मिल गई मुबारक हो। मिल गई फाइनली, मिल गई। बहुत ढूंढा हम लोगों ने, मिल नहीं रही थी। और ये सेट बन गया मेरा सूट तैयार। 1050 रुपये। ये होता है, ये गुस्सा आता है ना। गाइस यहाँ पे से कुर्तियाँ देख लेते हैं। मैं पागल हूँ, उधर से घूम के इधर आई हूँ। जारा के कपड़े 100 रुपए में खरीद रही है मैडम। मैंने देखिए मेरी आशा, देखिए सर सर्दी का। मम्मी वो झुमके खराब हो गए। नहीं वेलवेट है। हाँ टी शर्ट सामने ऊपर। तो मेरी दीदी गोलगप्पे खाएंगी कह रही हैं। बस हमारा यही काम है गोलगप्पे। नहीं खा लो ना, खा लो, खा रही हो तो। क्या खाना है उसको भी, उसके लिए भी करना बेचारी के लिए उसको भी। एक लेना, कोई और कलर देख लो। ये कितने कितने के हैं? 50 रुपए का, ये 20 रुपए का। ये बटरफ्लाई का लगाएंगे। तो गाइस जितना सामान लेना था ले लिया है हम लोगों ने, और भावना ने भी अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, रिक्शा पकड़े। और मोहना दीदी हमारी है, देखो। तो रिक्शा पकड़ लेते गाइस घर की तरफ जाते, क्योंकि भावना ने नाइट ड्यूटी, आपको पता ही है कि भावना नाइट ड्यूटी पे जाती है तो उसको लेट हो जाएगा। तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है इसको। तो भी डिनर भी है ना। डिनर भी है। ठीक है 350 है। क्या कपड़ा देगा?
ऐसे ही होता पता है, ऐसे मिलते हैं अक्सर। परेशान हो गए, ये चुभेगा, ये चुभेंगे, ये तोड़ के फेंक दूंगे। वाइट वापे रख दे, तू पहनती नहीं है। तो गाइस हम लोग बैठ चुके रिक्शा में और शुक्र है कि हमें क्रॉस नहीं करना पड़ा, हमें यहीं से रिक्शा मिल गया और अब जा रहे हैं घर की तरफ। मुझे कुर्ता पसंद आया था, पर पसंद आने के बाद देखा कि साइज मेरे साइज का नहीं था तो फिर नहीं लिया, और जितना लिया लिया क्योंकि भावना को लेट हो रहा है और हम लोगों ने पैसे भी बहुत टाइम लगाते हैं हम लोग मार्केट के अंदर, एक सामान लेते हैं उसके लिए एक घंटा लग ही जाता है। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ, घर के लिए, और दीदी उतर जाएगी उत्तम नगर टर्मिनल और मैं जाऊंगी आगे, वो दीदी जाएंगी उससे आगे, मतलब साथ हमारा जो उत्तम नगर तक का ही है। तो गाइस बस हम पहुँचने वाले हैं और दीदी भी उतर जाएगी यहीं पर उत्तम नगर ईस्ट और मैं क्रॉस करके जाऊँगी, दीदी ने जाना आगे जैसे कि हर बार होता है ना भावना। गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि दीदी की एक महीने से तबीयत खराब है और आपको भी वो ब्लॉग में बहुत टाइम पर नजर आ रही होगी। तो गाइस दीदी और मैं यहाँ पे उतर चुके हैं और दीदी चली जाएंगी आगे की रिक्शा करेंगे और मैं जाऊँगी घर की तरफ। तो गाइस मोना दीदी रास्ते में उतर चुकी थी और मैं आ चुकी अपने घर की तरफ और आज का ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिए वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। घर आ गया है।